एक खूबसूरत लड़की और चार दोस्त। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए कहानी को बड़े ही ध्यान से पढ़े। ये कहानी ऐसी है कि एक बार मैं अपने खास चार दोस्तों के साथ मनाली नाम की जगह से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को जा रहा था। ऑनलाइन का इस्तेमाल करके एक अच्छा से होटल हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया था। हम सभी लोगों ने ये फैसला किया था कि हम रात के शांत माहौल में ही गाड़ी चलाकर वहां जाएंगे, जिससे सुबह सुबह ही हम होटल में चेक इन कर ले। लगभग रात को करीब 3 बजे हम लोग चंडीगढ़ की सीमा के पास आ चुके थे। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, उस रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है। अब हम इसी पहाड़ी पर गाड़ी को चलते हुए जा रहे थे। इस पहाड़ी में रास्ता ढलान के साथ साथ घटक रूप से मुड़ावदार है। एकाएक हम सब ने देखा कि सफेद कोरोला एल्टस सड़क के किनारे पर खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पार्किंग लाइट और ब्लिंकर चालू थे। उस गाड़ी के बाजू में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी टॉप और जीन्स का कपड़ा पहना हुआ था और वो हमारी गाड़ी देखकर हमें लिफ्ट के लिए इशारा करने लगी। ये देखकर हम सभी दोस्तों के बीच चर्चा होने लगी कि हमें उस लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या नहीं, क्या हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए। हम चार में तीन लोग उस लड़की की मदद करने के पक्ष में थे और एक जन नहीं चाहता था कि उस लड़की को इतनी रात में मदद की जाए। यह एक धोखा या फिर चालबाजी भी हो सकती थी। जो लड़की की मदद के विरोध में था वो कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और हम सबको इस झमेले ने नहीं फंसाना चाहिए। मेरे दोस्त ने उस लड़की के पास गाड़ी को धीमा कर लिया और गाड़ी की खिड़की को नीचे कर लिए। उसी समय दूसरे दोस्त ने तेज आवाज में कहा कि भाई, गाड़ी क्यों रोक रहे हो, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लड़की देखकर मदद के लिए मत पिघलो। उसकी आवाज सुनकर ड्राइव कर रहे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाने लगा और लड़की की मदद का मन ना करने का कर लिया। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे थे, तभी गाड़ी में एक कदकदार खुशबू फैल गई। शायद ये खुशबू उस लड़की के सेंट या डियो की रही होगी जो उसने अपने ऊपर छिड़का होगा।